रेलवे ट्रैक के लिए आप 12 झाड़ों के लिए पब्लिक हियरिंग ले रहे हो और यहाँ इतने सारे जो झाड़ कट चुके हैं इसके लिए पब्लिक हियरिंग अब तक नहीं हुई, और इसी तरह से अगर आप झाड़ काटते जाएंगे तो बचेगा क्या? हर बार अननेसेसरी प्रोजेक्ट के लिए झाड़ों को काटना, ये कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता है। They said 16, they cut more than 500. In the name of development works, trees are being cut again. To know more about this issue, Kunal Maurya joins us for more. Kunal sir, सबसे पहले हमको ये बताइए कि exactly इधर हुआ क्या है? Last week हमको एक mail रिसीव हुआ जिसपे mention किया हुआ था कि 275 PR इतवारी रेलवे ट्रैक से डिगोरी, इन दो के लिए पब्लिक हियरिंग है। तो जो 275 PR था नोटिस नंबर जो कि मार्च महीने में निकला था, तो उसमें ऑलमोस्ट 7 लोकेशन के लिए ट्री कटिंग के लिए ऑब्जेक्शन ले रहा था। पब्लिक का जो मेजर ऑब्जेक्शन था वो नीरी के 249 और यहाँ जो कोटाला लेक के यहाँ के 121 झाड़ का मेंशन था। उसके बाद जब हमें NMC से कॉल भी आया कि आप सभी को ऑब्जेक्शन लिए तो आपको NMC में आना है ये तारीख को 23 को, तो उनसे जब पूछा गया कि 275 PR में तो आपने एक ही पॉइंट मेंशन किया हुआ है कभी ऑब्जेक्शन के लिए, बाकी का नहीं है क्या? तो उन्हें बोला नहीं बाकी के लिए नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो रेलवे ट्रैक के लिए आप 12 झाड़ों के लिए पब्लिक हियरिंग ले रहे हो और यहाँ इतने सारे जो झाड़ कट चुके हैं इसके लिए पब्लिक हियरिंग अब तक नहीं हुई। फिर जो पब्लिक हियरिंग 23 तारीख की हुई वहाँ पर NMC ऑफिशियल ने खुद एग्री किया और स्टेटमेंट दिया कि 16 झाड़ जो है उन्होंने उसकी परमिशन दी है। तो आपने 121 ट्री का जो दिया था ऑब्जेक्शन उसका अब तक पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ, 16 झाड़ों का भी पब्लिक हियरिंग नहीं लिया गया और बिना मतलब पब्लिक हियरिंग के उसको आपने ऐसे ही काट दिया, तो ये तो एकदम गलत है। और इसी तरह से अगर आप झाड़ काटते जाएंगे तो बचेगा क्या? तो आप कभी बता सकते हैं इधर एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या है और क्यों इतना पेड़ काटा? ये बेसिकली यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनने वाला है और बैक साइड में एक वाटर टैंक, इसके लिए कंस्ट्रक्शन शुरू है। जैसा भी आप देख ही रहे हो कि फुटाला पे फाउंटेन बनने वाला है, तो उसके लिए पार्किंग यहाँ करेंगे कार्स, उसके लिए वो भी समथिंग 5 फ्लोर के ऊपर में एक पार्किंग प्लाजा ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये एक्चुअली अभी नीडेड था कि मतलब 16 झाड़ बोल के उन लोगों ने कितने ज़्यादा झाड़ काट दिए, क्या वो एक्चुअली नीडेड था एट दिस टाइम जब हम लोग अजनी 1 के ऊपर भी इतना बड़ा मैटर हो गया था, इस टाइम पे ज़रूरत थी? देखिए कैसा है कि ग्रीनरी आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा भी कोविड में भी आपने देखा कि ऑक्सीजन की जो कमी हुई है और ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट भी जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन था वो भी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें भी फिर एक अलग तरीके की ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इस टाइप के रेनबो फंगस लोगों में निकल के बीमारी एक नहीं आ गई। तो जो आर्टिफिशियल चीज़ जो है नेचुरल चीज़ की जब जगह नहीं ले सकता है, तो हर बार अननेसेसरी प्रोजेक्ट के लिए झाड़ों को काटना ये कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो हमारा कहना ये है कि डेवलपमेंट हो लेकिन डेवलपमेंट जिसकी ज़रूरत हो, ना कि मतलब झाड़ों को काटे जा रहे हैं और वो चीज़ बनाई जा रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है। पहला फोकस और सबका इन्वायरमेंट के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो दिल्ली बनने को, नागपुर को दिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी। अब मेरे को ये बताइए कि आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? आपने जैसे बोला कि आपने आप लोग गए थे NMC की पब्लिक हियरिंग के लिए, उधर क्या हुआ, गार्डन डिपार्टमेंट के हेड ने क्या बोला और आपका नेक्स्ट आप क्या करने का सोच रहे हैं? NMC ऑफिशियल ने ये वहाँ पे खुद एग्री किया था कि 16 झाड़ जो है वो हमने काटने की परमिशन दी थी और उन्होंने साइट विजिट किया और उनको इलीगल जो ट्री फेलिंग है वो वहाँ पे ऐसा स्पॉट हुई है, तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और हमारे जो जो पॉइंट थे जैसे लाइक नीरी फुटाला जिसके लिए कहा गया था, तो उसमें उन्होंने नीरी के लिए भी कहा कि वो 200 प्लस ट्री है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसका फैसला करेंगी, वो हमारे अंडर नहीं आता है, उसका निर्णय हम नहीं ले सकते। और फुटालों के लिए उन्होंने ऐसा ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हम 2 दिन में कंप्लेंट या जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे और आपका जो भी है वो हमें दीजिए दो लिख के, हम उससे भी एक्शन लेंगे। इधर महामेट्रो का भी काम चल रहा है, तो महामेट्रो के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन है ऐसा पेड़ काटने का कि सिर्फ NMC के ऊपर ही आते हैं? नहीं नहीं, देखिए कैसा है कि परमिशन देना जो काम है वो NMC का है। अब प्रोजेक्ट यहाँ महामेट्रो कर रही है तो ट्री तो कटिंग बाय महामेट्रो ने ही किया होगा, NMC झाड़ काट के तो नहीं देती है। तो क्या महामेट्रो ने NMC से पहले परमिशन ली थी कि 16 के बजाय इतने इतने झाड़ कटेंगे? नहीं,
ऐसा तो कोई नोटिस मतलब पेपर में भी इन्होंने पब्लिश नहीं किया, और अगर अगर उनका भी जैसा कहना है कि किया था तो फिर उन्होंने वो उस नोटिस को पर्टिकुलर जैसा इस नोटिस को इशू किया था वैसा पेपर आर्टिकल करना चाहिए और बताना चाहिए फिर कौन से पेपर में किया था। जैसा अभी ये पब्लिक हियरिंग के लिए जब ईमेल और कॉल आए थे तो उसमें उन्होंने पेपर का नाम किस पेपर में दिया है, कौन से डेट को आया, इवन नोटिस भी ईमेल किया गया था कि ये नोटिस है 275 पीआर नंबर है इसका, और उसमें जो फोटा लगे थे वो 121 झाड़ियों के लिए नोटिस निकाले थे कटिंग का ऑब्जेक्शन लेने के लिए, कहीं भी 12 और 16 ऐसा कुछ फोटा लगे तो दिखा नहीं। थैंक यू सो मच कुणाल फॉर जॉइनिंग अस, आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। थैंक यू।